चलो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, आपको परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे तुम्हें टू व्हीलर पसंद है ना, इसलिए फोर व्हीलर छोड़कर टू व्हीलर लेकर आया हूँ। मुझे टू व्हीलर पसंद है, ऐसा आपसे किसने कह दिया? तो तुम्हें क्या पसंद है? ऑटो। बाय सर। ये हमेशा मुझसे सड़क क्यों लेती है? मेरे स्वीट हार्ट को थ्री व्हीलर पसंद है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। लेकिन मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या आप मेरे साथ एक कॉफी पी सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड। कॉफी डे में ऑटो से आए तो सोचा इम्प्रेस हो जाएगी, ये तो ऑटो वाले से इम्प्रेस हो गई। हाय, मेरा नाम सपना है। मैं कनका हूँ। एक्चुअली मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी सर। क्यों मैडम? मुझे आप जैसे रियल लाइफ हीरोज से मिलना, उनके साथ सेल्फी लेना और उन्हें मोटिवेट करना अच्छा लगता है। रियल लाइफ हीरो से? यस सर। सी ये लड़की मेरी कजिन है। उस दिन हाँ। वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी और आपने उसे ड्रॉप किया था। हाँ। पुलिस को फाइन भरा था। हाँ। इतना ही नहीं, एक एक्सीडेंट भी हुआ था। उस औरत को आपने ही हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाया था। मैं आपके पीछे पीछे भी आई थी, पर आप वहाँ से निकल गए थे। मैं तो आपसे बात करते करते आपसे पूछना ही भूल गई, क्या लेंगे आप सर? अब इस कॉफी डे में आपने बुलाया है तो यहाँ टॉनिक थोड़ी ना मिलेगा, कॉफी ही बोल दो। आप बहुत मजाक करते हैं सर, वन सेकेंड। लाल हीरोन को चूना लगाया ऐसा लग रहा है। ओहो, ये लोग छुपते ही इनका ब्रांड दिखाई देने लगता है। चिकना लौंडा मिल जाए तो किसी भी ब्रांड का हो उसे अपना लेती हैं ये लड़कियां भी ना। जरा इसे देखो, घर में भगवान के सामने कभी अगरबत्ती नहीं जलाएगी और यहाँ दम लगाकर धुआं छोड़ रही है। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी जा रही है। पियो पियो। जरा इसे तो देखो, कोई भी फुल पैंट पहनाओगे तभी भी वो कट होकर अपने आप सिंगल पीस हो ही जाता है। हेलो। हाय। हेलो। कम कम। ये क्या है राजा? जंगल में रहने वाले मोर के सारे पंख अपने सर पर लगा लिए। इसे देखकर ऐसी पटा ली, और कुछ लगाएगा तो पता नहीं कैसी पटेगी, इंसान से परिंदा बन गया। जाओ पैरे, कंटिन्यू योर ड्यूटी। हाँ जाओ जाओ। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता सर, ये आजकल का ट्रेंड है, कल्चर बन चुका है। ये सब ट्रेंड और कल्चर है क्या? माँ बाप की कमाई पर ये ऐश करते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करना, हर किसी के साथ बीड़ी सिगरेट पीते हुए बैठना, ये सबको आप कल्चर कहती हैं मैडम? ऐसे आवारों के अड्डे पर मैं कॉफी पीना पसंद नहीं करता। ये बताइए आप चाहती क्या है? मेरे साथ एक कॉफी पीनी है ना? तो चलिए मेरे साथ। राम भैया, कॉफी रेडी है ना? कैसे हो कनका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आपका आशीर्वाद है। हाँ, ये लो। बहुत दिनों के बाद आए हो, तबीयत तो ठीक है ना? फर्स्ट क्लास राम भैया। तुम्हारा ऑटो तो सही चल रहा है ना? एकदम सही चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये देखो मैडम, एकदम ओरिजिनल कॉफी। क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हो? ओहो, फुटपाथ पर खड़ी हो इसलिए? हेलो मैडम, बड़े बड़े महान हस्तियों की शुरुआत इस फुटपाथ से ही हुई है मैडम। फुटपाथ पर जीने वालों को जिंदगी की कीमत पता चलती है, ईमानदारी क्या है ये वो जानते हैं, और भला बुरा क्या होता है वो अच्छे से पहचानते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक डॉक्टर हैं। मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर कनका
MBBS नहीं हूँ, सिर्फ BS। डॉक्टर BS? इसका क्या मतलब है? वेटर कन्नप्पा की साउंडलेस जितनी सारी फिल्में हैं वो देखकर, उसके अंदर जो अच्छे आदर्श हैं उसे अपनाकर, मरते दम तक उसे फॉलो करने का इरादा लेकर पला बढ़ा हुआ भाई के यूनिवर्सिटी का और एक पदवीधर। ऐसे भी कोई डिग्री है क्या? बिल्कुल मैडम, आप लोगों को 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको 4 पैसे कमा कर दे देता है। लेकिन अगर तुम 2 से 3 घंटा बैठकर अगर भाई की फिल्में देखोगी तो हमारी जिंदगी में बहुत सबक सीखने का मौका मिलता है मैडम। जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सामना करके जीना है, ये हिम्मत हमें उससे मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनकर दिखाऊंगा, ये सीख उसकी फिल्मों से मिलती है। दो भाइयों को मिलजुल कर कैसे जीना चाहिए तो आप जुड़वा फिल्म देखिए मैडम। भाई की एक एक फिल्म मतलब एक एक डिग्री की तरह है मैडम। आप सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं सर। मोदी जी, भाई जी की तरह एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दीजिए, फिर क्या जरूरत है मोबाइल में 3G और 4G की। यहाँ राम भैया, बिल कितना हुआ? सुनिए सर, उस दिन मेरी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आपने पुलिस को फाइन भरी थी ना, ये वो पैसे हैं, ले लीजिए प्लीज। सहायता दोस्ती को बढ़ाती है, अगर मैं पैसा ले लूंगा तो व्यवहार हो जाएगा मैडम। दोस्ती चाहिए या व्यवहार चाहिए ये सोचना अहम है। अगर सच में ये पैसे आप मुझे देना चाहती हैं ना, तो इस पैसों से भाई की फिल्म की CD लेकर उसे आप देखिए, जिंदगी में एक अच्छा सबक सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह के भी रियल लाइफ कैरेक्टर होते हैं क्या? I think I need a selfie with you. अरे नहीं नहीं, मैं कोई फिल्म एक्टर थोड़ी ना हूँ मैडम। आप एक रियल लाइफ हीरो हैं। मैं एक नॉर्मल ब्लैक बॉय हूँ। ठीक है, ले लो ले लो। मैं सबका दिल जीत कर आई और अपना दिल कहीं छोड़ के आई। सुन सुमिता, कल वो मिले थे। कौन? भाई जी? उन्हें चाहने वाला। कर्नाटक में करोड़ों के हिसाब से उन्हें चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें से तुम्हें कौन मिला था दीदी? कनिका, वही जिन्होंने एग्जाम के लिए ड्रॉप किया था तुझे। ओ, उस ऑटो ड्राइवर का नाम कनिका है। अच्छा बताओ दीदी, उनके फाइन के पैसे दे दिए ना? नहीं, उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं उनके साथ एक सेल्फी लेकर आई हूँ और मेरे रियल लाइफ हीरोज की लिस्ट में उन्हें ऐड कर दिया है। दीदी दीदी दीदी, एक बार वो फोटो दीजिए ना दीदी, मुझे माँ को दिखानी है। ठीक है, वहाँ टेबल पर मेरा फोन है, ले ले। ठीक है दीदी। वाओ, मेडिकल स्टूडेंट, ऑटो ड्राइवर। अगर मैं इसे फेसबुक पर अपलोड कर दूंगी तो कितने लोग लाइक और शेयर करेंगे। कनिका जी, इंसान की जिंदगी में रिश्ते कितने महत्व रखते हैं, है ना? जी हाँ मैडम। कल मैंने सच्चाई का अवतार फिल्म देखी थी। कनिका जी, एक ऑटो ड्राइवर से एक मेडिकल स्टूडेंट प्यार करने लगे तो ये गलत है क्या? मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कल से आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। दूसरों की हेल्प करने के आपके इस जज्बे से मैं बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूँ। आप जैसी सोच रखने वाले इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने का मन कर रहा है मेरा। कनिका जी, I love you। मैं नहीं चाहती कि आप इसका जवाब मुझे इसी वक्त दें। कल सुबह इसी जगह इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जवाब हाँ होगा। कल मिलते हैं। सच बताओ बेटा, उस लड़की सपना ने आई हेट यू तो नहीं कहा? नहीं ना? अगर उसने आई लव यू कहा तो खुश हो जा। After all, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर का दिल नहीं होता है क्या? वो प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते, खुशी से नहीं जीते? ऐसी बात नहीं है भाई, हम रोड रोड घूमकर 4 पैसे कमाने वाले। फुटपाथ पर चाय बेचने वाला आज इस देश का प्रधानमंत्री है बेटा, समझे? वैसे आज इस शहर में ऑटो चलाने वाला इस शहर का नायक क्यों नहीं बन सकता, बोल। बोले तो मुख्यमंत्री क्या? हाँ? अरे मुझे नहीं बनना है बाबा, अच्छी घड़ी पहनो तो मुसीबत, ब्रांडेड अंडरवेयर पहनो तो भी मुसीबत बन जाती है। कल तू अपने लव को प्रपोज करेगा, पता है कैसे?
पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। तू रोल मॉडल बनना चाहिए सबके लिए। चल अच्छा तू मान ले अपने आप को कन का और मैं हूँ सपना। मुझसे नहीं होगा, मैं सपना और तुम कन का। नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, जेंट्स रोल करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तू कन का, मैं सपना। रेडी रेडी। क्या यार ये भी कोल्ड ड्रिंक में कुछ ज्यादा ही मिला के दिया है। वो आ गई है। सुनो सपना मैडम, सपना मैडम, अरे 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 सपना मैडम, आज के दौर में लड़कियां अपने होने वाले पति को या तो रतन टाटा जैसा या धीरूभाई अंबानी जैसा या किसी बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखती हैं, या फिर वो कोई नाइस नाइस पर्सन होना चाहिए। ऐसे में आप मुझ जैसे ऑटो ड्राइवर को लाइक करने लगी। अरे आपकी तो ऑफिसर्स चॉइस। सपना मैडम, आप जैसी लड़कियां हमेशा छोटी छोटी बातों पर जान देने की धमकी देती हैं। देखिए मैं एकदम पक्का ऑटो ड्राइवर हूँ। पैसेंजर्स को बिठा कर हम पूछते हैं कि कहाँ जाना है, पूछने के बाद मीटर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं और गियर डाल के रोंग रोंग करके आगे बढ़ते हैं और पॉइंट आने तक रुकते नहीं है। मैडम आप यहाँ किस लिए आई हो? इसलिए ना कि पढ़कर पास हो जाओ। तो अच्छे से पढ़ाई करना छोड़ के ये लव वव के चक्कर में क्यों पड़ी हो? अगर मैं तुम्हें पहले ही ए, ए, ए कहता तो मेरी नाक का गणेश का नाक बनाकर कब की निकल गई होती। मैं तो उनका ब्रदर त्रिशूल पकड़ा हुआ सुब्रमण्यम हूँ। देखो मैडम, मैं एक दिन रॉन्ग रूट से जाकर आपकी बहन को एजुकेशन प्रॉब्लम ना हो सोचकर स्कूल में ड्रॉप क्या कर दिया, तो बदले में आपने अपने हार्ट को मेरे ऑटो से चिपका दिया। आपको मैं कौन हूँ क्या हूँ मेरा ओरिजिनल सत्य कथा पता है? मैं अमावस के दिन पैदा हुआ नीच मनहूस समझकर मेरे पापा ने मुझे जीते जी मार दिया मैडम। जब मैं पेट में था ना तो मैडम आपको पता नहीं मैंने कितनी तकलीफ झेली है। मेरे पापा का जुल्म मैं सहन नहीं कर सका इसलिए मैं घर छोड़ के भागा। 20 साल हो गए मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया। अरे छोड़िए, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब वेस्ट वेस्ट है मैडम, वेस्ट है। सेंटिमेंटली, इमोशनली और एजुकेशन में जरा वीक होने की वजह से मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करके समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर भी समझने की कोशिश करो। अन्नपा आप यहाँ हो? आपको रिहर्सल करने को कहा था, मैंने तो शो ही खत्म कर दिया। कैसा लगा? इसलिए कहते हैं इस संसार में बिना सहारे का कोई परिवार नहीं। मुझ जैसे आवारा का यहाँ कौन सहारा है? सिवाय भगवान के यहाँ कौन किससे प्यार करता है? प्यार एक धोखा है, दिखावा है। सर, मुझ जैसे को प्यार करना गुनाह है। पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी।